करता हूँ माननीय कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मुकेश साजन जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बड़े भाई मदन सरोज जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे चाचा माननीय मोतीलाल कश्यप जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुजन युवा एकता मंच के राष्ट्रीय प्रभारी संजय अम्बेडकर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज इस कार्यक्रम का मुख्य आदेश है, मुख्य बिंदु है, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार बनी है, लगातार हमारे संविधान को खत्म किया जा रहा है, रोज आर्टिकल बदले जा रहे हैं, अत्याचार, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम लोगों को देखने और सुनने को ना मिला हो। कहीं किसी की हत्या की जा रही है, कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा हमारे बहन और बेटियों की बलात्कार हो रहा है, तो आज हम लोगों का कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के को सत्ता से बाहर करना होगा। नहीं तो हमारे दलितों और पिछड़ों पर लगातार हत्याएं, बलात्कार ऐसे होता रहा होता है। आप पे भी हाल में देख लीजिए, एक आजमगढ़ की घटना घटती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन वाले एक दलित समाज के व्यक्ति का घर तोड़ दिया जाता है, उनकी महिलाओं को अभद्र टिप्पणी की जाती है, कहा जाता है कि आप लोग छोटी बिरादरी की महिलाएं हैं, आप लोग मजा लेने के लिए बने हैं। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि छोटी बिरादरी के लोगों का जूता भी बहुत मजबूत होता है। जिस दिन हम लोग अपने औकात पे आ जाएंगे, जिस दिन हम लोग अपने पे आ जाएंगे, उनको दिखा देंगे छोटी जाति के लोग होते क्या हैं। साथियों, हमारे लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे मारा जाता है, पीटा जाता है। हमारे संविधान पे लगातार संविधान खत्म करने की कोशिश की जाती है, और यहीं पे आप देख लिए होंगे, यहीं पे हमारे समाज की बेटी का बलात्कार हो जाता है। हम लोगों को न्याय के लिए रोड पे उतरना पड़ता है, तब जाके हमारी बेटी को न्याय मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार दलितों और पिछड़ों पे अन्याय कर रहे हैं। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, हमारा नीट में आरक्षण खत्म कर दिया गया, और जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से जाति आधारित जनगणना की मांग करता हूँ। जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना की जाए, और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, भाजपा को अबकी बार हटाओ, देश बचाओ। जय भीम, जय भारत।